हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे अपना इयरिंग कलेक्शन शेयर करूंगी। इयरिंग कलेक्शन जो मेरे पास है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ज़्यादातर मैं सेट लेती हूँ तो फिर इयरिंग तो मतलब बहुत ही कम है मेरे पास। पर जो भी है मैं आपसे शेयर करूंगी। एक ये वाली जो झुमकी होती है ये है मेरे पास, ये जो ये लड़ वाली होती है ना, ये वो है क्या कहते हैं इनको, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाली जो ये पहन मतलब कानों ये ऐसे बालों में लगाई जाती है ऐसे करके, ये बालों में इनकी तीन लेयर आती हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती है। आप लोग आए थे समझ गए होंगे, इस तरह से आती हैं ये। तो ये है मेरे पास और ये भी बहुत पुरानी ज्वेलरी जो भी दिखेंगी आपको, ज़्यादातर बहुत पुरानी दिखेंगी तो, बट फिर भी अभी वैसी की वैसी ही है, बहुत ही सुंदर। दूसरे मेरे पास ये झुमकी थी, दूसरे मेरे पास ये इयरिंग टाइप है ग्रीन कलर के, ये एक पटियाला सूट मैंने लिया था वो ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए लिया था। ये भी बहुत सुंदर से हैं, ये देखिए। और आपने मेरी ज्वेलरी वाली वीडियो बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसको, आपने आपने इसमें बताया भी कि आपको कौन सी अच्छी लगी है। बट एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जैसे आपने ज्वेलरी कलेक्शन में आपने बताया था कि आप लोगों को जो मेरी सबसे ज़्यादा ज्वेलरी कौन सी अच्छी लगी है, तो वैसे ही आपको मेरे इयरिंग्स ही बताइए। ज़्यादा नहीं है, 4-5 जोड़ी हैं, बट जो भी आप उसमें बताइएगा, शायद पसंद ना आए आपको, बट जो भी है। दूसरा मेरे पास ये है, और 3-4 दिन से वीडियो नहीं आई थी इसके लिए सॉरी। दूसरा ये वाले हैं, पूरे में इनमें नगों का काम हो रखा है और इसके ये खासियत है, ये बहुत पुराने और मैंने इसको पहना भी है बट इसके नग नहीं निकले हैं, क्योंकि वो जो होते हैं ना जरकन वाले वो वाले नग हैं, इसके एक भी नग नहीं निकले हैं, निकला हुआ है। बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से हैं, लॉन्ग वाले हैं। इयरिंग्स आपको जो भी मिलेंगे मेरे लॉन्ग ही मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग इयरिंग्स का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है, मतलब कम है बट जो भी हैं वो ज़्यादा ही मतलब लॉन्ग ही दिखेंगे आपको। एक ये है मेरे पास गाउन है, तो मतलब एक फ्रेंड की शादी थी तो मैंने उसमें पहना था ये, तो ये गाउन पे पहना था और इसका ना एक ये स्टोन नग जो होता है ना वो निकल गया, तो इसे ना ख़राब हो गया, अभी मैंने देखा है हाल ही। तो एक ये बहुत ही प्यारे, मुझे ये बहुत पसंद है। एक ये वाले हैं, ये मैंने वैष्णो माता से खरीदे थे, इसका ना कलर ही कुछ ऐसा है, कुछ कॉपर कलर जो होता है ना, कुछ कॉपर में होता है उस टाइप का है, तो इसका ऐसा है। आप इसमें सोची गई गंदे ही हो गए बट इसका जो कलर है एक्चुअल में इसका कलर ही ऐसा था। ये भी बहुत प्यारे हैं, जितने भी आयरिंग्स हैं सारे ही लॉन्ग में हैं, कोई भी छोटे नहीं है, ये वैष्णो माता से लाई थी मैं। एक है ये वाली इयरिंग्स ऑरेंज कलर के, एक बार भी नहीं पहने गए हैं और इसका भी कलर ऐसा ही था। तो कुछ ये जो इस तरह के जो कलर होते हैं ना थोड़े से गंदे टाइप दिखते हैं, तो जब अच्छे लगते तब तो ले लेते हैं, बाद में ये लगता है कि हाँ ये कुछ गंदे टाइप दिख रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे बहुत ज़्यादा कम है। वीडियो अच्छे खासे लोग देख रहे हैं बट तो सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और हाँ, इयरिंग कलेक्शन मेरे पास बहुत कम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि सेट है पूरे तो इस चक्कर में इयरिंग्स कलेक्शन कम है। वैसे थे तो थोड़े बहुत अभी मेरे को मिल भी नहीं रहे हैं। और एक मैं आपको ज्वेलरी कलेक्शन में दिखाने वाली थी बट वीडियो जो था ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाया, मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ।
तो ये कमरबंद है, ये मेरी शादी का ही टाइम का है कमरबंद। इसको मैंने शायद 2-3 बार से पहना होगा और ये अभी भी इसकी शाइनिंग, इसके नग, इसकी मोती, पर्ल्स वगैरह सब, पर्ल वगैरह सब वैसे की वैसे ही हैं, कुछ भी इसका ख़राब नहीं हुआ है, सब ऐसा ही है। कि किसी टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे और अब तो खैर बहुत सुंदर सुंदर बेल्टें चलने लगी हैं, सिंपल सोबर में चलने लगी हैं। ऐसा तो उस टाइम ही चल रहा था, अभी मैंने दे दूँ मेरी शादी के टाइम का। तो देखिए तो चलिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं जा रहे थे, तो मैंने इसलिए मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ा, क्योंकि इयरिंग्स मेरे जो है वो थोड़े बहुत वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो थे मेरे पास वो वीडियो डाल दिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप बताइए इसमें से आपको कौन से इयरिंग ज़्यादा पसंद आए हैं। सो बाय।